और घोषणा पत्र में एक हमारा वादा था कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हमें उसी पत्रकार कहते हैं मंदिर वही बनाएंगे तिथि नहीं बताएंगे कि जैसे तिथि बताने की भी जरूरत नहीं है भूमि पूजन हो गया है और राम प्रतिष्ठा भी वहां पर फिर से प्राप्त हो जाएगा लेकिन सबके लिए आनंद का और विषय है मित्रों भगवान बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर करोड़ों आस्था का एक केंद्र था स्वप्न था आज मोदी जी के कर कमलों से वो कॉरिडोर का उद्घाटन हो गया है वहां विंध्यवासी जी के भी मंदिर को आज पुनर्निर्माण करने का काम हमारी सरकार ने किया है सभी श्रद्धा केंद्रों का हमने सभी श्रद्धा केंद्रों का हमने सम्मान करने का काम किया है मित्रों 70 साल बना 5 साल हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमने इसको आगे बढ़ाया है और मुझे बहुत आनंद है कि लगभग 92% के रेशियो के साथ हम आगे आए हैं और योगी जी ने जैसे बताया गरीब कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश मोदी जी की सभी गरीब कल्याण योजनाओं का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई रहा है और जब मैं गरीब कल्याण कहता हूँ तब दलित समाज पिछड़ा समाज आदिवासी और सभी सभी गरीबों के लिए मोदी जी कई सारी चाहे घर बनाने की योजना हो चाहे शौचालय की योजना हो बिजली पहुंचाने की योजना हो शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की योजना हो उनके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने की योजना हो 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देने की योजना हो ये सारी योजना बहुत अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने इम्प्लीमेंट करते हुए सारे देश में इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहला नंबर प्राप्त किया है मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को साधुवाद सुनिश्चित करेंगे मित्रों में आज बहुत संतोष के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया हूँ मैं उत्तर प्रदेश में इस चुनाव अभियान में भी सभी क्षेत्रों में जाकर आया हूँ जहाँ जहाँ भी हम होते हैं कभी मैं भी पूछ लेता हूँ कि भैया भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे ऐसा कहते हो मगर वोट क्यों दोगे उसने कहा सर बाकी बहुत सारे कारण है मगर वोट देने का प्रमुख कारण है भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी ने उत्तर प्रदेश को सलामत पांच साल पहले उत्तर प्रदेश गंगा युक्त प्रदेश माना था उत्तर प्रदेश के अंदर विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और अवध क्षेत्र में माता और बहनों की सलामती नहीं हमने कहा था कि आप हमें शासन करने का मौका दीजिए हम भारतीय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे उत्तर प्रदेश को अपराध से मुक्त आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि 5 साल की सरकार चलने के बाद आज उत्तर प्रदेश में माफिया को पलायन कर गए हैं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है डकैती के मामलों में 57% की कमी लूट में 70% की हत्या में 30% की अपहरण में 52% की दहेज के मृत्यु में 8% की और बलात्कार के मामलों में 42% की कमी दर्ज की है जो 70 साल के इतिहास में सभी के सभी मत के अंदर रिकॉर्ड टूटने वाली कमी है मैं इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश एकदम सुरक्षित राज्य बना है